पिछले 2 दिनों से नगर निगम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में गुंडों के मकान, दुकान, गोडाउन पर जेसीबी और पोकलेन से कार्रवाई कर उन्हें डहा दिया था। इसके लिए 5 जेसीबी और पोकलेन के साथ 150 कर्मचारियों की टीम और कई अफसर तैनात रहे। इस पर हुआ खर्च निगम तैयार करने में जुटा है और 1-2 दिन में अफसरों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पिछले 2 दिनों में इदरिस नगर में रमेश तोमर के यहाँ कार्रवाई की शुरुआत की थी। वहाँ 4 मकान तोड़े गए थे और सरकारी बगीचे पर कब्जा कर लगाए गए टावर हटाने की कार्रवाई की थी। इसके अलावा व्यास नगर, रानीपुरा, पत्ती बाजार, मच्छी मार्केट में साजिद चंदनवाला के साथ व्यास नगर में नानू ताइड़े के मकान पर कार्रवाई कर अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ढहाने का काम किया था। इस दौरान निगम का भारी भरकम अमला तैनात किया गया था। 150 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ 5 जेसीबी, पोकलेन और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। निगम अब तक जिन स्थानों पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करता रहा है, वहां से कार्रवाई करने के बाद शुल्क भी वसूलता रहा है। अब निगम के अधिकारी पिछले 2 दिनों से हुई कार्रवाई का ब्यौरा तैयार कर रहे हैं ताकि वहां हुए खर्च की भरपाई संबंधितों के यहां नोटिस देकर वसूली जा सके।